क्योंकि मैं मरने तक स्टेज तक चली गई थी, मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं, अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में, तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है, उसको पता है कि कितने पावरफुल वो है, कितने बार के वो MP हैं, पैसा उनके पास है, पावर में वो बैठे हैं, पावर पोजिशन पे बैठे हैं। तो हम एथलीट को मतलब यही कि वो पहली बात तो हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीजों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे, जान से बढ़ के। तो ये धम देता है, विनेश कौन देता है? ये उनके जो खास लोग हैं उनके फोन पे नाम लीजिए, मतलब फेडरेशन। मैं नाम जब जरूरत होगी मैं नाम लूंगी, मैं ऐसे ओपन में नाम लूंगी तो मेरे लिए भी एक लीगली मेरे लिए भी वो हो जाएगा, लेकिन हाँ जब जरूरत होगी मैं नाम भी लूंगी। हमारी निजी जिंदगी में दखलंदाजी करते हैं कि मैंने किससे शादी कर ली, कौन मेरा बॉयफ्रेंड है, कौन मेरी गर्लफ्रेंड है, बजरंग ने किससे शादी कर ली, अभी शादी क्यों कर रहे हो। मतलब हमारी निजी जिंदगी में भी उनका दखलंदाज इतना है कि हमारी फैमिली तक की उनको खबर रहनी चाहिए कि हमारी फैमिली में भी कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। तो सुना आपने, पूरे विश्व भर में देश का नाम रोशन करने वाले इन खिलाड़ियों के आरोपों ने रातों रात पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ऐसे में जहां एक तरफ कुश्ती फेडरेशन का ये काला सच बाहर आने के बाद लोगों में भारी गुस्सा है, तो वहीं हरियाणा में भी सियासी नेताओं ने मोदी सरकार को घेर लिया है। इसके चलते कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर भी तगड़ा हमला बोला है। सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का भयावह और शर्मनाक सच यही है। पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाकर देश का परचम लहराने वाले पहलवान बेटियों की बात क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि इल्जाम बीजेपी नेता और चहेते सांसद पर है। उन्नाव में कुलदीप सेंगर से हाथरस और जम्मू तक, यही सच है। बहरहाल हरियाणा के खिलाड़ियों के आरोपों को लेकर पूरे देश के लोगों में गुस्सा है। ऐसे में विपक्ष ने भी सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। देखना यह होगा कि मोदी सरकार कितना जल्द इन खिलाड़ियों की मांगों और आरोपों पर कोई एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।